राम राम भाई सारे भैया ने मैं थोड़ा कुछ दिया और फिलहाल स्वागत है आपका हरियाणा भाईचारा सबका प्यारा शब्द नहरा में। बहुत अलग अलग चीज बताऊंगा मैं अपना आदमपुर इलेक्शन ने लेकर के उड़ा होया सब कुछ सारी चीजें जो है वो मैं अपना बताऊंगा। तो एक बार इस वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो और कौन जीतेगा? जेपी नहीं जीत सकता नू रुके पैट के भाई। अब लैब तो जेपी जीते नहीं सकता, जेपीआर तो जयप्रकाश तो पोलिंग बूथ वो जित काउंटिंग हो काउंटिंग बूथ है छोड़कर काउंटिंग की जगह छोड़कर जाए मैंने के चल गया। लेकिन सच्चाई बताऊंगा इब 1 लाख वोट जो गिनी गई है यह बात याद रखियो 1 लाख वोट गिनी गई है 30,000 वोट पड़ी है 30,000 वोट पड़ी है बे लगभग गिननी। अरे जो अपने बहुए भाई हैं वे लगभग फिलहाल की बात करूँ तो 56,539 वोट लेकर आगे हो रहे हैं बहुए भाई। ठीक है 56,539 बहुए हो रहे हैं और 39,170 वोट लगभग जेपी के पास है। तो मतलब मोटा मोटा आंकड़ा लगा के चला तो आप 17,000 तक आगे है और जीतन खातर जेपी ने पहले तो ये 17 कवर करनी पड़ेंगी बरोबर आगे 17 कवर करे पीछे और फिर बड़े तल्याण खातर में जो 30,000 वोट बच रही है ना 1 लाख पोल हुए पीछे फिर बड़े तल्याण खातर मतलब मैं अगर मोटा मोटी बात करूं तो एक तरफ अगर बाकी जो दो राउंड बच रहे हैं ना उन मगर एक तरफ आ गया तो आ गया नहीं तो जेपी की हार निश्चित है। लेकिन फिलहाल ये वीडियो ने शेयर कर दियो कई और चीजें भी बताऊंगा अपना कितने फेक बेरा बैठ जाए कितने रियल बेरा बैठ जाए लेकिन रियल टाइम बताऊंगा क्योंकि ऑफिशियल साइट जो हमें खोल कर बैठा हूँ और लगातार अपडेट होने लग रहा है कितने राउंड में कितना होया के नहीं मैं सारी चीज मैं अपने बताऊंगा। अरे भाई सब बड़े अचंभे की बात मेरा की है आम आदमी पार्टी इतनी नीचे चली गई जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं थी किसी ने भी सोचा था भाई आऊंगी 5-7 हजार वोट लेकिन भाई लवा भी ना लागे 5-7 के तो इनेलो और कांग्रेस इनेलो और आम आदमी पार्टी मिलकर लवा ना लाग ली ऐसा माहौल हो रहा है कमेंट करते रहो 16,606 वोटों से जीत गया बिश्नोई इशार में तो यह बात चल रही है कभी करेक्ट किसने ठीक कही है पोस्टल वोट रही है ना जीत गया आ गया होगी जीत निश्चित ले भाई यही बेब डली है बहुवे बिश्नोई जीते 16,606 वोटों से जयप्रकाश पिछली बार लगभग 6 वोटों तक हारे थे अरे एकदम 16,000 वोटों तक हार गया जयप्रकाश जीत निश्चित हो चुकी है ऑफिशियल। बाकी मैं राउंड की भी काट के दिखा दूं तुमने जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है हालांकि आया करा सरकारी काम पे थोड़ा सा लेट चल है तो रिक्वेस्ट यह है एक बार इस वीडियो में भाई शेयर जरूर तो जरूर आप लोग कर दो इसमें तो नहीं अपडेट हो रही भाई उन्होंने तो दिखा दी लेकिन इबे जो है खबर आई हमारे द्वारा सूत्रों तो हमारे द्वारा खबर आई है बफे जीत गया आपका क्या कुछ कहना कमेंट करके बता दो इब लोग नुकोते मेरे तरफ फोन आते भाई साहब आप लाइव नहीं आ रहे भाई मैं नुआ लाइव ना आऊं था मैं नू मेरा था बफे जीतेगा लोग क्यों करे पेड मीडिया क्यों करे रुके मारे जाओ पेड मीडिया क्यों करे रुके मारे जाओ लेकिन बफे रियलिटी में जीते था उड़े गढ़ है इब भाई एक बात बताओ तुम छोटी सी कलोई हल्का पड़े महाराज कर तो हमने नु मेरा आड़े उड़ा ना हरियाणिया को है नहीं उड़े भी कुलदीप बिश्नोई ना हरियाणा हरियाणिया को है नहीं अगला अपनी पार्टी बना के सीएम का चेहरा है और चाहे हुए तो नु कोई सीएम या फिर को अध्यक्ष पद मिले उनने हैं अरे भाई बहुए बिश्नोई क्लियर जीत गया 1606 वोट आते हैं बहुए बिश्नोई ने एक जीत दर्ज करी है और भाई रुके लगन लग रहे थे आम आदमी पार्टी जीतेगी वह नहीं जीती वह चौथे नंबर पर आ रहेगी मेरे हिसाब से तीसरे पे फिलहाल तीसरे पे चल रही है भाई तीसरे पे हाल फिलहाल तीसरे पे आम आदमी पार्टी चल रही है चौथे पे इनेलो पार्टी चल रही है भाई भी भाई है फोन आओ है रिक्वेस्ट है फोन प्लीज ना करो। अरे भाई ना लाइव आने का मेरा रीजन ही होया था मैं ना एग्जिट पोल देने का रीजन ही होया था फिर लोग कहेंगे अगियो बिक गया रुके मारेंगे लेकिन सच्चाई यह है
असर कुछ नहीं होया इलेक्शन लड़ेगा। बीजेपी की कैंपेन काम करगी और जबरदस्त काम करगी। बीजेपी ने मार दिया पहले कोई बाहरी कैंडिडेट वो काम करगी। अगर चौधरी कूड़ाराम तय इनालो की जगह कांग्रेस से टिकट दे देती तो बहुत तगड़ा कंपटीशन उड़ा होने वाला था, क्योंकि बहुत सारे लोग रूस गए, चौधरी कूड़ाराम तय भी रूस गए, बोले तो एक मिनट में प्रिंस लिया गया है, और कांग्रेस तन रूस गए, बोले इन कई इज्जत राखी बुढ़े बुढ़े की मारी के रखेंगे। तो मतलब रूस सारे सही बहुत हुई है। दीपेंद्र हुड्डा लगभग 2-3 महीने उड़ा जम के बैठे रहे हैं भाई, इंटरनल खबर है। अगूड़ा कत्ती मैं नुकू एक एक आदमी मनान में सब कुछ एडी चोटी का हंगा ला के जब ये वोट पल्ले आई है। अरे फिलहाल एक बार फिर मैं अपने बता दूं, भव्य बिश्नोई की भव्य जीत दर्ज होगी है। अरे एक क्वेश्चन पूछा था पत्रकार ने, मंत्री पद मिल सके है के भाई को पार्टी छोड़ के गया है, बना बना विधायक छोड़ गया है, दोबारा इलेक्शन में खर्चा करे क्या, मैं तो मिलता ही होगा जब गया है। चलो फिलहाल इस वीडियो ने शेयर कर दिया, और आपका क्या कुछ कहना है कमेंट जरूर कर दिया करो, कमेंट शेयर जरूर तो जरूर आप लोग करा करो। और फिलहाल की मैं बात करूं तो भव्य की 1606 वोट आता है, ये पोस्टल वोट हालांकि अभी नहीं गिनी गई है, 16,606 जीत तो जीत से, पर 16,000 इतने बड़े मार्जिन की मैं खुद अगर बताऊं तो 10,000 से 12,000 सोच के चल रहे थे हमें, एक भाई 10 से 12,000 तय भव्य बिश्नोई जो है वो जीत सका, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जीत जितना हंगा पार्टियां ने उड़ा लगाया उस हिसाब से। जब जेपी के प्रोग्राम होया करते आदमपुर में, प्रॉपर आदमपुर में इतनी भीड़ नहीं होया करती, लेकिन जब बीजेपी प्रोग्राम होया करते जबरदस्त भीड़ हुजूम होया करता, क्योंकि माहौल उनका था। बीजेपी तो वोट नहीं मिली कि कौन सोचे, बीजेपी तो उड़ा मिली है कुलदीप बिश्नोई तक वोट, भव्य बिश्नोई तक वोट मिली होंगे ठीक है, और किसे वोट नहीं मिली कौन सोचे किसी और तक ना, बीजेपी तो कोई वोट नहीं उड़े, उड़ा वोट है सिर्फ और सिर्फ बिश्नोई परिवार ते, चौधरी भजन लाल के नाम पर वोट है, उन्हें काम करवाए हैं, उस पर छोड़े काम हुए नहीं हुआ एक अलग बात से। लेकिन फिलहाल मैंने ये बताना था भव्य बिश्नोई जीत गया, जेपी जो मतलब जेपी वैसे बहुत बड़े राजनेता हैं, सेंटर मिनिस्टर रह रहे हैं, हैं बहुत बड़ा चेहरा है, जेपी ने उड़ा जाकर अपनी फेस वैल्यू डाउन करी है, रियलिटी बात यह है। कल ना कल्याण ताले उनको होंगे जेपी का क्या भरोसा, कल ना फिर तू आदमपुर में चला गया तो भाई, और हमारे इंटरव्यू में तो जेपी जी ने कह भी रखी है अगर मेरे बालक लड़ेंगे उड़े तो फिर परिवारवाद जिसके लिए कांग्रेस बदनाम है वे बात उड़े भी चलेगी नहीं। तो फिलहाल बात बस इतनी है, भव्य 16,606 वोटा जीत गया, ऐसी सूत्रा तक खबर आने लग रही है हमने अभी तक, एक बार सूत्रा तक खबर आ हुआ है, कंफर्मेशन जो भी होगी वो मैं डाल दूंगा। अरे गढ़ है गढ़ नहीं टूटा करते, रुक के बेतेरे लाग जा रहे लेकिन गढ़ नहीं टूटा करते, बात याद रखनी चाहिए। फिलहाल वीडियो ने शेयर कर दियो, आपका कुछ कहना कमेंट करके बता दियो, और ईव नु देख लियो जो उनको मैं देना अक्सर कार नहीं आओ आ गए बीजेपी की के है के नहीं, मैं नहीं कहता कि मैं भाई, लेकिन एक सच्चाई बता दूं आड़े तो जीत गए हैं, समझ रहे हो ना, आंदोलन के बाद का ही हो, लोग थोड़े दिन याद रखा कर बुराई ने, गलत बात है। आप लोग कमेंट कर दिए इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है, और आगे किसकी सरकार आओगी 2024 के इलेक्शन ईव है ना, इस इलेक्शन के 2-3 महीने बाद ही रेस्ट चल लेंगे राम मंत्री नेता आगे, उसके बाद फिर जबरदस्त तरीके तक लोग आगे काम भी होने शुरू होंगे। भाई मैं मन की बात बताया करूं, वो करे तो मोदी जी भी है मन की बात, लेकिन मैं मन की बात भाईचारे में बैठ कर जो बात कर सका वो हरियाणा भाईचारा चैनल पर बात बताया रहा, इन लोग आगे काम होने भी शुरू हो जाएंगे हैं। और सीईटी के पेपर की मुझे याद आ गई, कल हम भी जा रहे थे दीवान, भाई सीईटी के पेपर में तुमने क्या लागा है कितना रिजल्ट आओगा, और जिस हिसाब से पेपर लिया गया है वो कितना ठीक रहा, क्योंकि बसें वगैरह भी चलवाई गई थी सरकार की तरफ से, काफी अप्रिशिएट चीज थी वह, अब बस वगैरह चलवा कर बढ़िया तरीके तो बालक पहुंचा दी सरकार, पक्का आओगी उड्डा की जस उड्डा भाई कह रहा, भाई देखो वो तो समय बताओगा किसकी आओगी, और समय बलवान हुआ है। फिलहाल वीडियो शेयर कर दियो, आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दिया, राम राम जय जय भारत, जय जवान जय किसान जय भगत सिंह।